मध्य प्रदेश में भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया ने चुनाव से पूर्व दावा किया था कि बीजेपी को 50 से अधिक सीटें आ गई तो हम अपना मुंह काला कर लेंगे। चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई हैं। इसके बाद भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया वादा पूरा करने के लिए अपने समर्थकों के साथ भोपाल में राजभवन के पास पहुंच गए। उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह ने भांडेर विधायक के साथ राजभवन मार्च किया है। राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया ने ईवीएम पर काली खपोती है। वहीं उनके वादे को पूरा करने के लिए दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया के चेहरे पर काला टीका लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम उनके आंदोलन के साथ हैं। फूल सिंह बरैया ने चेहरे पर काली खपोती लगवाने के बाद कहा कि दिग्विजय सिंह ने राष्ट्र को बचाने वाले फैसले का साथ दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जीत छीन ली है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना होगा। इस मौके पर फूल सिंह बरैया ने ईवीएम पर काली खपोती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका मुंह काला नहीं हुआ है, उनके मुंह पर टीका लगाया गया है ताकि नजर ना लगे। गौरतलब है कि इससे पहले फूल सिंह बरैया के समर्थक ने ग्वालियर में अपना मुंह काला किया था। उसने कहा था कि वह हमारे विधायक हैं, उन्हें मुंह काला करने की जरूरत नहीं है, हमने करवा लिया है। सपनों को पूरा हमें करना है। उनका मुंह काला नहीं हुआ है, उनको तो टीका लगा है कि नजर ना लगे उनसे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।